हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हम ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंस वाला। प्रिंसेस में बेल्ट लगता और साइड वाला क्रॉस कटिंग होता। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देखना है और स्टेप बाय स्टेप हम कटिंग करेंगे। और ब्लाउज की ब्रॉड भी ज्यादा है तो ब्रॉड भी ज्यादा लगाना है। किस तरह से करेंगे, एक एक करके इंची बाय इंची आपको हम बताएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब हम स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ये हमारा मेन पीस है और ये हमारा लाइनिंग है, ये मेजरमेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहां से ये मार्किंग को सीधा कर लेता हूं। अब इसका लेंथ जो है, लेंथ है 14 इंची, तो हम 14 इंची पे एक मार्किंग लगा ले रहा हूं। उसके बाद फिर ये जो गिराना है, मतलब आर्मोल हाला के लिए और आर्मोल के लिए, आप जो भी देखिए, देखो ये हमारा 6.25 इंची पे है। 6.25 इंची पे है, तो हम 6.25 इंची पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से ये सीधा कर लेता हूं और ये सीधा भी कर लेता हूं। फिर हम एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं, साइट हमारा कितना हम नीचे करें, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको मेजरमेंट है तो ये भी आप मेजरमेंट कर लीजिए एक बार, अच्छा रहता। फिर हम अपर चेस्ट देखेंगे कितना है, तो अपर चेस्ट है 9.5, बोले तो 38 इंची आ रहे। ठीक है, तो 38 इंची आ रहे, तो इसको हम थोड़ा क्रॉस में है इसलिए ज्यादा हो रहे, लेकिन हम 36 इंची ही लगाएंगे, क्योंकि अब ये मेजरमेंट फ्रंट का कर लेना है कुछ इस तरह से, बिल्कुल लूज रख के। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉस कटिंग है साइड प्रिंसेस। ठीक है, तो ये हम 9 इंची आ रहे, 36 इंची आ रहे, तो 36 इंची पे ये एक मार्किंग लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो लगाना है 5.5 इंची पे लगाना है। 5 इंची भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि शोल्डर तो वैसा भी कम है। शोल्डर कितना इंची है वो भी आपको अगर मेजरमेंट दिए है तो देख लेना चाहिए, 1.5 इंची है। और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे बिल्कुल करेक्ट, 2 इंची पे कटिंग करेंगे, ताकि हमारे को रेडी होने के बाद 1.5 इंची आते। फिर हम यहाँ पे 5.5, ये 5.25 रखे, तो यहाँ पे हम 5.25 रखेंगे। और वेस्ट कितना है वो भी एक बार देख लीजिए, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मेजरमेंट अगर आपको दिया है, अगर कस्टमर बोले कि नहीं मेजरमेंट सेम करो तो सेम करना है, तो ये है 30.5 इंची, तो 30.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम 7.5 इंची से 3 सूत बढ़ के लगाएंगे, तो हमारा ये 30.5 आ रहा है करेक्ट। और 1.25 इंची यहाँ पे डॉट्स के लिए एक मार्किंग लगा दिए। तो चलिए फर्स्ट हम डॉट से ये मार्किंग लगा ले रहा हूँ, उसके बाद हम साइड में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले रहा हूँ, उसके बाद ये आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले रहा हूँ, उसके बाद सेब जो है कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए सेब इसी तरह से आपको करेक्ट ही लगाना है। अब हम बैक जो है करेक्ट, लेंथ वगैरह सब कुछ करेक्ट हम रख दिए। अब यहाँ पे कितना ये देखना जरूरी है, तो यहाँ आ रहा है 3.25 इंची, मतलब 3 इंची से थोड़ा कम, तो हम यहाँ पे मार्किंग 3 इंची पे करेंगे, तो मार्जिन के साथ हमारा ये रेडी 3.25 इंची ही आते। उसके बाद यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर दे रहा हूँ, और यहाँ ब्रॉड में है, ब्रॉड में है तो आप कुछ इस तरह से ही क्रॉस में रखे। चलिए ये तो हम यहाँ तक बता दिया हूँ आपको, लेकिन और एक मेजरमेंट, अगर ब्रॉड ज्यादा है मेजरमेंट है तो आप ये मेजरमेंट कर लीजिए कि कितना है। ये हमारा रेडी है 5.5 इंची, तो यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट ही 5.5 इंची आ रहे। उसके बाद फिर अब हम सेब जो लगाएंगे कुछ इस तरह से लगाएंगे, ये सेब ऐसा लगा लेना है। देखिए बिल्कुल ये ब्रॉड में है, ब्रॉड में है तो आपको भी कुछ इस तरह से ही मार्किंग लगाना चाहिए। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आर्मोल मेजरमेंट करता हूँ कितना है, तो ये हमारा 16.5 आ रहे, 16.5 आ रहे, तो इसको भी हम मेजरमेंट कर रहा हूँ कितना है ये भी देख लेना है। मेजरमेंट अगर आपको दिया है तो
तो कंपलसरी आप मेजरमेंट भी जरूर देखिए। तो ये भी हमारा करेक्ट 16.5 इंच ही आ रहे हैं। अब इसको हम कटिंग कर दे रहा हूँ, कुछ यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे से, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब इस साइड थोड़ा सा ऐसा ढाल कर लेना है ताकि शोल्डर बिल्कुल टाइट पकड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा करोगे जब भी यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल टाइट पकड़ता है, अगर आप सीधा रहने दोगे तो शोल्डर टाइट नहीं पकड़ता, लूज पकड़ता, ठीक है? तो आपको ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद फिर हम यहाँ से भी कटिंग नेक के लिए कुछ इस तरह से लगा ले रहा हूँ। देखिए ये हमारा एग्जैक्ट कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से साइड वाला प्रिंसेस क्रॉस करना है। आप एक एक करके देखोगे तो कंपलसरी आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, और हम एक एक करके बता रहा हूं तो आप भी जरूर देखिए एक एक करके, ठीक है? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, अगर आप ऐसा वैसा करके देख लिए तो आपको समझ में आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? चलो ये आयरन हम इस तरह से लगा लिया हूं। अब हम ये बैक पल्ला को कुछ इस तरह से फर्स्ट, कभी भी अगर बैक से कटिंग कर रहे हो तो फर्स्ट बैक को अच्छी तरह से ये सीधा रख के, सीधा बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हम रख दिए। अब एक मार्किंग हम फर्स्ट यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ये मार्किंग हम 1.25 पे लगा दिया हूं। चेस्ट पॉइंट के लिए हम 0.5 इंची पे लगा दिया हूं। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग जो करना है आपको कुछ इस तरह से करना है क्रॉस में, कंपलसरी ये मार्किंग कुछ इस तरह से क्रॉस में कीजिए ताकि एग्जैक्ट बैठते, ठीक है? साइट अगर फ्रंट ओपन है तो फ्रंट को भी कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेना चाहिए। यहां तक होने के बाद अब हम मेजरमेंट करेंगे फ्रंट। फ्रंट डीप कितना है वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप डीप मेजरमेंट देख रहे हो तो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे 7.5 इंची आ रहा है और ये कितना है 4 इंची रेडी है, लेकिन हम 5 इंची पे 5.25 इंची पे कटिंग करेंगे। तो 7.5 इंची फर्स्ट ये मार्किंग लगा ले रहा हूं, और बाद में यहाँ पे बेल्ट के लिए जो हम बताएंगे ना, हम बाद में बताएंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से वो मार्किंग करेंगे। तो ये शेप कुछ इस तरह से मैं लगा ले रहा हूँ फर्स्ट। ये हम मार्किंग जो क्रॉस करे इसको हम थोड़ा सा इधर हटा के फिर हम कटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल टाइट पकड़े नेक, गला की जो राउंड है ना उसको बिल्कुल टाइट पकड़ता। आप अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो यहां तक हो गया, ये मार्किंग लगा दिया। अब यहां पे शेप कुछ इस तरह से लगा ले रहा हूं। ये शेप लगने के बाद एक बार डॉट क्लियर करने के लिए ऐसा भी मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये आ रहा है 9 इंची से, 9 इंची आ रहा है, तो इसको हम एक बार मेजरमेंट करता हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है मेजरमेंट में, क्योंकि ये अगर आप मेजरमेंट करने के लिए सीख लिए तो नेक कभी भी बड़ा छोटा होने का बिल्कुल चांस नहीं है। देखिए करेक्ट ये भी 9 इंची है, ठीक है? करेक्ट 9 इंची ही आ रहा है ये भी। चलो अब यहां से हम फर्स्ट ये वाला कटिंग कर दे रहा हूं। ये कटिंग हो गया और नीचे भी इस तरह से मार्जिन छोड़ के कटिंग कर दे रहे। अब ये जो हम 10.25 इंची पे लगाया हूं इसको भी यहां से हम सीधा कर लेता हूं। उसके बाद एक निशान यहां है, अब ये निशान किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। तो 0.25 इंची यहां पे रखे तो 3.25 इंची यहां पे रखिए, यहां से यहां 0.5 इंची बिल्कुल कम होना चाहिए इधर नीचे। यहां पे 0.25 हुआ तो यहां पे 3.25 पे निशान लगाना है, ठीक है? मिनिमम 0.5 इंची तो आप कंपलसरी कम कीजिए, और ये शेप कुछ इस तरह से लगाइए ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट ही बैठता, ठीक है? और ये शेप लगाने के लिए आप एक बार दो बार ट्राई करो, कंपलसरी कुछ इस तरह से ही शेप आप भी लगा सकते हो करेक्ट। देखिए कैसा फिनिशिंग आया, तो आप भी कुछ इसी तरह से
ये एक एक करके आपको कठिन करना है और मैं एक एक करके बता रहा हूं, तो आप भी बिल्कुल पूरे पूरे वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखोगे तो कंपलसरी ये ब्लाउज कटिंग करने के लिए आप एक बार में नहीं तो दो बार में तो कंपलसरी रेडी हो जाओगे। और अगर आप कुछ इस तरह से कटिंग कर रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, पूरा कटिंग मैं हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग बताता हूँ। चलिए, प्रिंसेस साइड वाला कटिंग करने के लिए हम सीधा रखें, लेकिन ये सीधा में नहीं है, क्रॉस में है, तो आप क्रॉस करने के लिए कुछ इस तरह से रखिए। ये लाइन को यहाँ पे मिला देना है, बिल्कुल ये क्रॉस में कटिंग हो जाता है और क्रॉस में बैठ जाते हैं। तो ऐसा हम ये मार्किंग लगाए यहाँ पे सेंटर में। अब यहाँ पे पौने इंची पे एक मार्किंग लगा दिया हूँ, और यहाँ पे जो लगाना है ये चेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अपर चेस्ट से चेस्ट ये फर्क है ज्यादा, मतलब कि 2 से 3 इंची फर्क है, इसीलिए इस तरह से हम लगा रहे हो। अपर चेस्ट कितना आ रहे थे, यहाँ पे कितना आ रहे, वो एक एक करके पूरा देखना है। तो यहाँ पे आ रहे 10.25 इंची, तो चलिए यहाँ पे हम 2.75 इंची पे लगाएंगे निशान। अगर मेजरमेंट दिया है तो आपको कंपलसरी समझ में आ जाएंगे, अगर बॉडी मेजरमेंट है तो उसको मेजरमेंट देख के लगाइए। अपर चेस्ट से चेस्ट अगर 1 इंची फर्क है तो 2.5 इंची पे लगाइए, 2 इंची फर्क है तो 2.75 इंची पे लगाइए, अगर 1 इंची फर्क है तो 2.5 इंची पे लगाइए, 2 इंची फर्क है तो 2.75 पे लगाइए, 3 इंची फर्क है तो 3.25 पे लगाइए। ऐसा अगर आप यहाँ पे देख लिए सही से तो कंपलसरी ये बिल्कुल करेक्ट में ही मार्किंग होता और सेटिंग होता अपर चेस्ट के पास। यहां से अब ये सेप कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए, ये मार्किंग लगाने के लिए आपको एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी ये मार्किंग आपको एग्जैक्ट लगाने के लिए रेडी हो जाओगे। देखिए, मैं जो इस तरह से लगाया हूं, अभी नीचे जो बेल्ट लगता है उसके लिए हम बाद में आपको बताता हूं, फर्स्ट ये हम रेडी कटिंग कर ले रहा हूं। और आपको भी फर्स्ट रेडी कटिंग करना है, बाद में प्रिंसेस के मतलब नीचे बेल्ट जो लगता है उसके बारे में बाद में देख लेंगे। अब यहां से बैक में कितना गिराए थे, 6.25 इंची, तो यहां हम गिराएंगे 6.25। बैक से कभी भी फ्रंट 1/2 इंची से लेके 3-4 सूत कम ही रखना है, करेक्ट नहीं रखना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट बैग में लगाए थे 36, मतलब 36 का चौथाई बैग 9 इंची आया, तो यहाँ पे भी हम 9 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद ये सेप कुछ इस तरह से लगा देंगे। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेप लगाने के लिए आपको भी कुछ इस तरह से ही लगाना रहता। अब ये मार्किंग लगाने से पहले, अब हम यहाँ पे मार्किंग लगा रहा हूँ, तो उससे पहले यहाँ पे आप इधर मार्जिन छोड़ दीजिए, इधर भी मार्जिन छोड़ दीजिए, तो 2.75 इंची आ रहा है, तो 2.75 इंची यहाँ पे रख के वेस्ट है 3.5 इंची, तो चौथाई मतलब 7.25 ही आ रहे, ठीक है। और यहां से फिर हम कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग कर ले रहा हूं। अब ये मार्किंग करने से पहले आपको बैक की जरूरत पड़ता, बैक की जरूरत पड़ता इसलिए ताकि एग्जेक्ट आप बैठा सकते हो, क्योंकि साइट लगाने के टाइम में आगे पीछे ना हो, इसीलिए बैक जरूरी है। तो बैक से हम ये मार्किंग लगा चुका हूं, उसके बाद फिर यहां से भी हम सीधा मार्किंग कर ले रहे हैं। देखिए, ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, क्रॉस में कुछ इसी तरह से आपको करेक्ट बैठाना है, ठीक है। चलो, अब ये हम कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल ले रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर हम और आगे मेजरमेंट देखेंगे और बेल्ट की कटिंग देखेंगे। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना है तो ये वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ, आप जरूर पूरी पूरी वीडियो देखोगे तो, अगर आपको इंटरेस्ट है कटिंग सीखने का तो कंपलसरी आप सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाला झाड़ना है, नॉर्मली झाड़ना है, ज्यादा नहीं झाड़ना है, कुछ इस तरह से देखिए, बिल्कुल करेक्ट ही हाला झाड़ना है, ज्यादा नहीं, 1/2 इंची भी नहीं, 1/2 इंची से थोड़ा सा कम, ठीक है, क्योंकि ये डीप नेक वाला है। कुछ इस तरह से ही सेव आप भी लगाइए तो करेक्ट फिटिंग में आते, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दे रहा हूं, एक नॉक से यहाँ पे भी कुछ ऐसा लगा ले रहा हूं। अब ये हमारा ऐसा रख के
एक बार हम ये मेजरमेंट करता हूं कितना आ रहा है। करेक्ट 10.5 इंच आ रहा है। मेजरमेंट में भी करेक्ट 10.5 है, इसमें भी करेक्ट 10.5 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम बेल्ट के लिए जो है, बेल्ट जो कटिंग करेंगे यहां से कितना 2.5 इंच है, तो इसमें भी हम सेम उतना ही मार्किंग लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे। अगर कम लगा लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होने का चांसेस रहता। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही 2.5 इंच से कम ही लगाइए इधर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम यहाँ मार्किंग लगाए, लेकिन कटिंग होता है यहाँ से। अब ये मार्किंग लगाने के लिए फर्स्ट ये मेजरमेंट आप कर लीजिए, ये मेजरमेंट करना जरूरी है। तो ये हमारा 4 इंची रेडी है, तो 1.25 पे हम कटिंग करेंगे। तो 1.25 पे कुछ इस तरह से देखिए, मैं करेक्ट ही रख रहा हूँ, ये मार्किंग कुछ इस तरह से लगा दिए। अब यहाँ से भी ऐसा एक मार्किंग लगाऊंगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर में डॉट से रखने के लिए बोले, तो सेंटर में डॉट से कुछ इस तरह से लगा लेंगे। अब हम ये कटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा छोड़ के कीजिए बिल्कुल, जितना पे अगर 2.5 इंच पे आप मार्किंग लगाए तो 2.5 इंच पे ही नहीं कट कर देना है, थोड़ा कम करना है, ठीक है। और आस्तीन शॉर्ट वाला है, फर्स्ट शॉर्ट वाला आस्तीन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट वाला आस्तीन कुछ इस तरह से ऐसा बिल्कुल सीधा मार्किंग कर लेना है। कितना इंची छोड़ के हम करें, मिनिमम 1.25 इंची छोड़ के करें मार्किंग, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी तरह से 1.25 इंची छोड़ के कीजिए। और लेंथ है 3.5 इंची, तो 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दे रहा हूँ, और यहाँ से 0.5 इंची छोड़ के और एक मार्किंग लगा दे रहा हूँ। उसके बाद ये सीधा कर रहा हूँ, फिर ये भी सीधा कर दे रहा हूँ। और ये सेब अगर आपको कस्टमर ने बोले कि नहीं हमारे को बिल्कुल करेक्ट फिटिंग रहना चाहिए, तो आप ये सेब जरूर डालिए। अगर आपको बोलेंगे कि नहीं यहाँ ऊपर हमको थोड़ा लूज होना है, तो यहाँ से सीधा रहने दो, ठीक है। तो ये हमारे को बोले है फिटिंग रहना चाहिए बिल्कुल सेम इसके जैसा। तो यहाँ से अब हम मेजरमेंट फर्स्ट कर ले रहा हूँ। तो ये 7 इंची पे है लूजिंग, तो 7 इंची यहाँ से कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूँ। और आर्मोल है 16.5 17 इंची है, तो यहाँ पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल 8.5 से 2 सूत कम ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 1 सूत मेजरमेंट से बढ़ के कटिंग हो रहा है। और कंपलसरी आप 1 सूत मेजरमेंट से कटिंग बढ़ के ही कीजिए हमेशा, ताकि आस्तीन का अटैच करने के टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट ही कटिंग रहता, एग्जैक्ट फिटिंग होता स्टिचिंग करने के टाइम में, सिलाई करने के टाइम में। अब यहाँ से भी इसको कुछ इस तरह से सेम में कटिंग कर दे रहा हूँ, और ऊपर से भी कुछ इस तरह से सेम में कटिंग कर दिए, इसको भी कटिंग कर दिया हूँ। अब जो है यहाँ से हाला झाड़ने के लिए 1.25 इंची आप हाला बिल्कुल कट कर दीजिए, 1.25 इंची कंपलसरी कटिंग करना है। तो ये हमारा 1.25 इंची बिल्कुल कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ से साइड वाला जो ज्वाइंट है उसको कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम बेल्ट कटिंग करेंगे। वो भी एक एक करके बेल्ट में भी बताऊंगा किस तरह से सेटिंग करना है, किस तरह से रखना है। तो यहाँ से हम पहले ये आस्तीन की साइड वाला ज्वाइंट निकाल ले रहा हूँ। देखिए ये हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो गया। अब इसको भी हम ये कटिंग कंप्लीट हो गया आस्तीन का भी और उसका 14 इंची, वैसा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। फर्स्ट बेल्ट ऐसा रख लेना है बिल्कुल सीधा में, उसके बाद फिर ये मार्किंग को फर्स्ट ये मार्किंग सीधा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी ये जो मार्किंग हम आपको बहुत बार बोले हैं कि बेल्ट कभी भी अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आप क्रॉस में कीजिए। कैसे क्रॉस में? क्रॉस में इसलिए कि फिनिश होने के बाद बेल्ट के पास ये हुक काच की पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सीधा रहता, ठीक है। तो आप कभी भी क्रॉस में ही कटिंग कीजिए। और ये यहाँ पे 3 इंची, यहाँ पे 3 इंची मार्किंग लगा के इसको हम फर्स्ट सीधा कर दे रहा हूँ। देखिए आप ये जो है बिल्कुल थोड़ा अलग कटिंग करने के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे 1 इंची का ऊपर रख देना है, और यहाँ से मिनिमम 4.25 इंची पे रख देना है।
उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाएंगे। हम 3 इंची पे तो ये मार्किंग करें, लेकिन हम 3 इंची पे वो कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। अब ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप भी क्रॉस में ये मार्किंग लगाइए, सीधा नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से एक एक करके कटिंग करके हम फर्स्ट निकाल ले रहे। अब नीचे भी थोड़ा शेप डालने के लिए यहाँ से मार्किंग जो हम दिया हूँ उससे अपने हिसाब से ये शेप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये शेप लगाने के लिए आप कुछ इस तरह से ही लगाइए। देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया ये हमारा रेडी। चलिए आज का ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा फ्रूस टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, ये कटिंग। अगर आपको ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो चैनल के नीचे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।